स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। देखिए स्टूडेंट्स, इन 1658 एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पियर डी फर्मेट। उन्होंने ऑप्टिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल हमें स्टेट किया था। उन्होंने हमें क्या कहा था कि मान लीजिए आपके पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो अगर आप उस मीडियम में दो पॉइंट्स कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो बी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पाथ जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं उसके लिए, बट रे ऑफ लाइट जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए सिर्फ वही पाथ चूज करेगी जिस पाथ के अलोंग उसे मिनिमम टाइम लगेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो अगर आप इस मीडियम के अंदर दो पॉइंट चूज करते हैं ए एंड बी, तो अगर रे ऑफ लाइट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है तो इट कैन मूव अलोंग दिस पाथ, इट कैन मूव अलोंग दिस पाथ, इट कैन फॉलो दिस पाथ। बट फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है, हमें रे ऑफ लाइट जो है इन तीनों में से वो पाथ फॉलो करेगी जिस पाथ में उसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में मिनिमम टाइम लगेगा। इसलिए इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। यहां तो हमने एक होमोजेनियस मीडियम कंसिडर किया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, मींस ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। मान लीजिए ए और बी के बीच में बहुत सारे मीडियम्स हैं, सेट ऑफ मीडिया जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी के बीच में, तो जो रे ऑफ लाइट होगी जब वो ए से बी तक जाएगी तो उसको बहुत सारे रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शन जो है वो सफर करने होंगे, और बहुत सारे रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शन सफर करते हुए जब रे ऑफ लाइट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगी थ्रू अ सेट ऑफ मीडिया, तो वो पाथ फॉलो करेगी, उस पाथ को प्रेफर करेगी जिस पाथ में मिनिमम टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है फॉर्मेट प्रिंसिपल की, फिर हम इसके मैथमेटिकल पोर्शन को एनालाइज करेंगे। इन 1658 पियर द फर्मेट अ फ्रेंच मैथमेटिशियन स्टेटेड दैट अ रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू अ सेट ऑफ मीडिया बाय एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस चूज अ पाथ अलोंग विच द टाइम टेकन इज मिनिमम और द लीस्ट। 1658 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पियर द फर्मेट। उन्होंने एक ऑप्टिक्स का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल स्टेट किया था जिसको हम बोलते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल। और फर्मेट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि एक एक जो रे ऑफ लाइट होगी वो अगर एक सेट ऑफ मीडिया से जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बाय सफरिंग नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्रैक्शंस, तो रे ऑफ लाइट वो पाथ चूज करेगी जिस पाथ के अलोंग जो टाइम होगा वो मिनिमम होगा या फिर लीस्ट होगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, और फर्मेट्स प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम भी बोला जाता है। बट स्टूडेंट्स बाद में इस प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम में थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ा। ये मॉडिफिकेशन हमें क्यों करना पड़ा, बहुत सारे हमें ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले जिसमें रे ऑफ लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में वो पाथ चूज कर रही थी जिसमें टाइम जो है वो मैक्सिमम लग रहा था ना कि मिनिमम। तो इसलिए इस प्रिंसिपल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी और हमें फॉर्मेट प्रिंसिपल को मॉडिफाइड फॉर्म में दोबारा से स्टेट करना पड़ेगा, और वो स्टेटमेंट हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, जो हमें ये कह रहा था कि किसी ऑप्टिकल मीडियम में एक रे ऑफ लाइट पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जाने के लिए
वो पाथ चूज करती है जिस पाथ के अलोंग उसे मिनिमम टाइम लगता है। और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम ने लॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बट बाद में हमें कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्व हुई, जैसे जब हमने इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेस स्टडी किया, तो अगर वहां पर किसी ऑब्जेक्ट पॉइंट से जो रे निकलेगी और वो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो पाथ चूज कर रही थी जिस पाथ के अलोंग टाइम मिनिमम की बजाय मैक्सिमम लग रहा था। और अगर हम इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर की बात करें जिसमें दो फोकाई होते हैं F1 F2, दिस इज आवर इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर। तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन F2 पर आकर फोकस होंगी, और इन्हीं इन सब रेज के लिए जो टाइम हमें देखने को मिल रहा था वो सेम मिल रहा था। कांस्टेंट टाइम में वो F1 से F2 तक पहुंच रही थी, मीन्स सभी रेज जो हैं एक कांस्टेंट टाइम में F2 तक पहुंच रही थी, चाहे उनके पाथ जो हैं वो अलग-अलग थे। तो इसलिए हमें प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ा, और उस नए प्रिंसिपल को नाम दिया गया फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम, या फिर फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं आगे आप क्या लिखेंगे इसमें। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल द लॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कैन बी डिराइव्ड। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम था उसके बेसिस पर हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के, रिफ्लेक्शन के जो कि होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि होता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मीन स्नेल्स लॉ को बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। However, in some cases it has been found that time taken by light is not minimum but maximum. But जब हमने image formation by lenses को study किया तो उस केस में हमने देखा कि जो rays of light हैं वो एक point से दूसरे point तक पहुंचने के लिए वो path follow कर रही थी जिनमें time जो है वो maximum लग रहा था ना कि minimum, or else it is neither maximum or nor minimum but it is stationary constant. But अब वो हमें ऐसी ऑब्जर्वेशंस भी मिली जब हमने इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर से रिफ्लेक्शन को स्टडी किया, तो उस केस में जो रेज ऑफ लाइट थी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो पाथ फॉलो कर रही थी जिन पाथ के लिए जो टाइम निकल के आ रहा था वो सेम था, मीन स्टेशनरी था। देयरफॉर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम इज नोन एज फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम और फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ व्हिच मे बी स्टेटेड एज फॉलोस। इसलिए हमें फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम को मॉडिफाई करना पड़ा, और उसको बोला गया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल को बोला गया फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम और फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। कहने का मतलब यह है कि एक रे ऑफ लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए किसी ऑप्टिकल मीडियम में वो पाथ चूज करेगी जिस पाथ के अलोंग या तो टाइम मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा या फिर स्टेशनरी होगा। तो ये कहने का मतलब है फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम का, टाइम या तो मिनिमम या मैक्सिमम या स्टेशनरी, सिर्फ वही पाथ जो है वो फॉलो किया जाएगा इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन ऑप्टिकल मीडियम बाय रे ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स जो इसकी न्यू स्टेटमेंट है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल, जिसको हम जानते हैं फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेशनरी टाइम या फिर फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ के नाम से। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू अ सेट ऑफ मीडिया बाय एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शन चूजेस अ पाथ फॉर विच द टाइम टेकन इज आइदर मिनिमम और मैक्सिमम और स्टेशनरी। देखिए स्टूडेंट्स जो फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम था उसमें हमने यहाँ पर सिर्फ मिनिमम वर्ड लिखा था, जबकि इन दोनों की डेफिनेशंस में हमने मिनिमम के साथ मैक्सिमम वर्ड भी डाल दिया और स्टेशनरी वर्ड भी डाल दिया। कहने का मतलब ये है कि जब रे ऑफ लाइट एक सेट ऑफ मीडिया से बहुत सारे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन करते हुए दूसरे पॉइंट तक जाती है तो वो पाथ चूज करती है जिस पाथ के अलोंग उसे या तो मिनिमम टाइम लगेगा या मैक्सिमम टाइम लगेगा या फिर कांस्टेंट टाइम लगेगा। मिनिमम टाइम किस केस में लगेगा, मिनिमम टाइम उस केस में लगेगा जब एक रे ऑफ लाइट जो है प्लेन रिफ्लेक्टिंग या प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से होते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगी तो उस केस में मिनिमम टाइम लगेगा। मैक्सिमम टाइम कब लगेगा, जब हमारी रिफ्रैक्शन होगा रे ऑफ लाइट का थ्रू आ लेंस, चाहे वो कंकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में आपका जो टाइम लगेगा
वो मैक्सिमम होगा बाय रे ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और स्टेशनरी टाइम कब होगा, जब आपका रिफ्लेक्शन होगा थ्रू आ इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर, जो मैंने आपको पिछले सेक्शन में बता दिया था। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आप थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन भी करके आएंगे और वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं मैथमेटिकल पोर्शन ऑफ फर्मेट्स प्रिंसिपल जो आप इस टॉपिक में ऐड करके आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इसमें हमने दो पॉइंट्स कंसीडर कर ली हैं ए एंड बी। जो रे ऑफ लाइट है इट इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद वेलोसिटी स्मॉल वी या विद स्पीड स्मॉल वी, और ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो एस है। तो आइए देखते हैं इसमें आप क्या लिखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इफेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जो कि हमने स्मॉल वी ली है। तो अगर हम यहाँ से स्मॉल वी की वैल्यू निकालें वो क्या आ जाएगी, यहाँ से सी अपॉन म्यू आ जाएगी। इसको हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो हम इस पूरे पाथ का एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज डीएस। तो डीएस डिस्टेंस ट्रेवल करने में हम मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट इन ट्रैवलिंग स्मॉल डिस्टेंस डीएस इज डीटी। तो बाय डेफिनेशन डीटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो कि है वी। इसको हम देते हैं सेकेंड इक्वेशन, यहां वी की वैल्यू पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन से यूजिंग 1 into we get dt is equal to ds upon c by mu। तो यहां से आपको मिलेगा dt is equal to mu ds divided by v, small s यूज करेंगे आप। तो स्टूडेंट्स, अब हमें टोटल टाइम निकालना है फॉर रे ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो वो आप कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए टू बी, वो आप कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। डी टी इज इक्वल टू म्यू डी एस डिवाइड बाय बी, और लिमिट जो आएंगी वो आएंगे ए टू बी। तो डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी इज इक्वल टू लिमिट्स ए टू बी, एस स्मॉल ही चलेगा यहाँ पर। तो इसको मैं देता हूँ थर्ड इक्वेशन। इसके आगे के जो स्टेप्स होंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन में हमने टोटल टाइम निकाल लिया था बाय रे ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब हम करेंगे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों तरफ आपको डी लगाना पड़ेगा डिवाइडेड बाय बी। देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट प्रिंसिपल वो हमें कहता है कि रे ऑफ लाइट वो पाथ चूज करेगी फ्रॉम ए टू बी जाने में, वो पाथ चूज करेगी इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जिस पाथ के अलॉन्ग टाइम या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर हम एक डिफरेंशिएशन में एक चीज यूज करते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम क्या करते हैं, टाइम शुड बी यहाँ पर मैक्सिमा होना चाहिए या मिनिमा होना चाहिए। तो उसका जो टाइम डेरिवेटिव है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। यह आप मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बार करते हैं यूजिंग कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, यूजिंग कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या कहती है, अगर हमें टी का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है तो उसका डेरिवेटिव को जीरो के बराबर पुट करना होगा। सो डी टी विल बी इक्वल टू जीरो। अगर डी टी को जीरो पुट कर दिया तो आपकी ये वाली साइड भी जीरो हो जाएगी। सो यू विल गेट डी डिवाइड बाय वी लिख रहा हूं, यहां पर सी था, आप ठीक कर लीजिएगा, यहां पर सी है। तो स्टूडेंट्स, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले सेक्शन में भी करेक्शन कर लीजिएगा। लास्ट के टू स्टेप्स में मैंने क्या किया था, यहाँ पर सी लिखना था, मैंने वी लिख दिया था। एक्चुअली हमने वी की वैल्यू पुट की थी सी बाय म्यू, म्यू ऊपर चला गया था और नीचे सी आ गया था। तो प्लीज उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा पिछले सेक्शन के लास्ट टू लाइन्स में, जब हमने वी की जगह पुट किया था सी बाय म्यू, म्यू ऊपर चला गया था और सी आ गया था यहाँ पर, तो सी आएगा।
तो स्टूडेंट्स डीटी हमारा यहाँ पर जीरो होगा, तो ये टर्म भी आपकी जीरो के बराबर हो जाएगी, तो इसको आप जीरो कर दीजिए, तो सी जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा, तो आपका मिलेगा डी इंटीग्रेशन ए टू बी म्यू डी एस। तो इस केस में अगर किसी चीज का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब वो टर्म या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ए टू बी म्यू डी एस इज इक्वल टू मैक्सिमम और मिनिमम, और मैक्सिमम मिनिमम आप ना लिख के इसको आप सिंपली एक्सट्रीमम भी लिख सकते हैं, एक्सट्रीमम के अंदर मैक्सिमम मिनिमम दोनों इंक्लूड हो जाते हैं अगर आप एक्सट्रीमम वर्ड लिख देते हैं तो। तो ये क्या चीज है, ये क्या है, देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं म्यू बाहर ले लूं तो अंदर लिख दूं ए टू बी डी एस, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं डी एस का तो मुझे क्या मिलेगा, ये टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा एस, तो ये बन जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास एस म्यू एस, म्यू एस विल बी एक्सट्रीमम, और म्यू एस को क्या बोलते हैं, एस था हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए टू बी, अगर हम उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दें, डिस्टेंस ट्रेवल को म्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमें चीज मिलती है उसको हम बोलते हैं, जो हमें क्वांटिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ, जिसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, सो डेल्टा विल बी एक्सट्रीमम। तो फर्मेट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगी मीडियम में के अंदर जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, तो वो पाथ फॉलो करेगी जिस पाथ की लेंथ जो है या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, मींस एक्सट्रीमम होगा ऑप्टिकल पाथ उस केस में। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फर्मेट प्रिंसिपल, और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर हम आने वाले वीडियोस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे उन वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।